हमारे समाज को अगर किसी ने छला है वह है नीतीश कुमार। जहानाबाद के बाभन है जिसको चाह जाएगा, पिछला बार बाभन से ना वोट से जीता है। वोट चाहिए भूमिहार का, अब बात बोलिएगा नीतीश कुमार का। बाभन पर तीर निशाना लगा लेगा, बाभन है जिसको बाभन चाह जाएगा उसको गिरा देगा। लालटेन बूत गया, कहने बूत गया, कोई नहीं है टक्कर में। अरुण कुमार जिंदाबाद। रिजल्ट हो जाता तो 4 तारीख के पार पता चल जाता कि केकर कितना पावर है ना है। फूटा लालटेन टूटा तीर, दिल्ली चला अरुण सुरबीर। सुरेंद्र यादव के तो जोड़ लिया, मुन्नीलाल यादव को औकात वाला नहीं जानते हैं आप? जमानत जब्त करवा देगा वो है मुन्नीलाल यादव। आशुतोष कुमार वोट काटने के लिए आया है, सुरेंद्र कुमार का डी है वो, हाँ। डुप्लीकेट है जो हमारे समाज को तोड़ने के लिए आया है। आज ना 10 साल पहले ही गया बूथ, मार दिए फूक, ठीक ना। सुरेंद्र यादव का जान ही रहे, 5 बार से चुनाव हो रहा है, 6ठा बार अगर फिर हार के जाएगा जहानाबाद से। अरे तीर तो तोड़ दिए, तीर तो हाथ से तोड़ दिए कि कहां कहां किस किस योजनाओं में चंद्रवंशी जी का शिला पर जहानाबाद जिले में लगा। एक भी दिन जहानाबाद में देखने नहीं आया चंद्र प्रसाद चंद्रवंशी। पूरा जहानाबाद अरुणमय है। अरे सांसद का ना बताइए कि वो क्या 5 साल में विकास किए हैं। अरे तेरा चढ़ जाएगा तो मर जाएगा। तो उस कुमार पहले बाढ़ के चुनाव लड़े, उनके बाद उस समाज के लड़के हैं, इस वजह से मैं उनको सांत्वना दे रहा हूँ। हाथी तो चलेगा, फूक देगा सूंड से तो लालटेन उड़ी आ जाएगा, तीर पर चढ़ जाएगा तो तीर टूट जाएगा। 500 वोट नहीं आएगा आशुतोष कुमार को, 500 वोट नहीं आएगा। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, जनता की राय जानने की। इस बार क्या होगा, हाथी पर अरुण कुमार सवार है, क्या होगा? अरुण कुमार हाथी से कितना आगे जाएंगे, या फिर लालटेन सुरेंद्र यादव कितना जला पाएंगे, या फिर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी तीर कितना चला पाएंगे, ये जनता बताएगी। जनता का राय क्या है वो जानने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। अंतिम चरण का मतदान बाकी है और जनता यहाँ मौजूद है कि इस बार क्या होगा, क्या होगा जहानाबाद? ये तो आप जनता लोग से पूछ सकते हैं क्या होगा, इसमें बताने का जरूरत थोड़ी है। जनता आप ही बता दीजिए क्या होगा। पूरा जहानाबाद अरुणमय है, अरुणमय है पूरा, हाँ। पूरा जानते हैं इस बात, हाँ। क्यों अरुणमय है, क्या कारण? चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भाई रहे हैं आपके यहाँ सांसद, तो जो नीतीश कुमार का मंत्री लोग यहाँ घूम रहे हैं, हाँ। वो अपना व्याख्या कर रहे हैं, अपना सांसद का करेंगे ना कि वो 5 साल में आखिर किए तो किए क्या? कोई कह रहे हैं कि विकास हम करेंगे, अरे सांसद का ना बताइए कि वो क्या 5 साल में विकास किए हैं? अब 5 साल में विकास नहीं किए तो कम से कम उनका घोटाला ही गिना दें कि क्या वो घोटाला किए हैं। हमें जात मजहब से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है विकास से, जो विकास करेगा वो राज करेगा। विकास अरुण कुमार 10 साल सांसद रहे, निश्चित वो विकास किए हैं, ये तो क्षेत्र में घूमने का चीज़ है ना। एकदम चलेगा नहीं, चल दिया, अब सिर्फ 4 को विजय जुलूस निकालना बाकी है। तरफ से बड़े बड़े धुरंधर बुलाए जा रहे हैं, गठबंधन के तरफ से भी जो धुरंधर है ना उसे बैक गेट का राजनीति करते हैं। धुरंधर अपना ना काम बताए, इस समय आके वो बन जाते हैं भूमिहार के नेता, और जब भूमिहार पे आवाज उठाना रहता है तब वो नेता नहीं बनते हैं भूमिहार का, तब वो सरकार के आदमी हो जाते हैं, आवाज वो भूमिहार के नेता हो गए हैं। वोट चाहिए भूमिहार का, अब बात बोलिएगा नीतीश कुमार का। अरुण मैं इस बार पूरा जहानाबाद है। माहौल क्या, माहौल जहानाबाद में बहुत बढ़िया डॉक्टर अरुण कुमार के लिए, यहाँ मैं अरुण हो रखा है सभी पूरे जहान, मैं अरुण एकदम। 5 वर्ष चंद्र प्रसाद चंद्रवंशी रहे, 1640 करोड़ का घोटाले का काम किए हैं, पूरा विकास कर दिए। एक भी दिन जहानाबाद में देखने नहीं आया चंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, और सुरेंद्र यादव का जान ही रहे, 5 बार से चुनाव हो रहा है, 6ठा बार अगर फिर हार के जाएगा जहानाबाद से। वो तो कह रहे हैं कि पूरा सुरेंद्र मैं, सुरेंद्र मैं कहाँ से जनता हो गया, तो कह रहे हैं नहीं, कहने से थोड़ी होगा। जनता देखिए ना किसके साथ है, डॉक्टर अरुण कुमार के साथ पूरे जहानाबाद जनता साथ। जनता जनता शिक्षा के साथ है, जनता विकास के साथ है, जनता सभ्यता के साथ है, जनता अस्मिता के साथ है, जनता अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ है, जनता अरुण कुमार के साथ है। छला हुआ जनता, 5 साल से यहाँ विकास से वंचित जनता। और आप पत्रकार महोदय, मेरा यह विनती है कि इस जिले में आप चुनाव के बाद घूमें, चुनाव में तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको बहुत कवरेज करना होता है, आपकी भी यह बात होती है, काम करने का यह तरीका होता है, बाद घूमे और बाद घूमकर इस 5 साल में हुए चंद्रवंशी के विकास का शिलापट एक बार जनता को जरूर प्रदर्शित करें, या आपकी भी ड्यूटी है, आप भारत के दूसरे स्तंभ में,
आप एक बार उनके शिलापट को खोज कर जनता को दिखाएं कि कहां कहां किस किस योजनाओं में चंद्रवंशी जी का शिलापट जहानाबाद जिले में लगा। हम छले हुए हैं, हम शिक्षित हैं, हम शिक्षाविद हैं, हम फॉरवर्ड ऐसे नहीं कहे जाते क्योंकि हम कलम के मालिक होते हैं, हम पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा के अनुसार विकास के अनुसार काम करने का योग्यता हमारे समाज में थी। हमारे समाज को अगर किसी ने छला है वह है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को पिछली बार हमारे ही समाज ने मोदी के विकास के नाम पर हमारे ही समाज ने चंद्रवंशी को 1751 मतों से जिताकर संसद भेजने का काम किया था ताकि वह हमारी आवाज़ मजबूती से उठा सकें। कौन सी तेजस्वी का विकास? अरे महाराज, तेजस्वी के जो आप यहाँ कैंडिडेट हैं वो है एक बार दुर्भाग्यपूर्ण 13 महीने के लिए सांसद भवन में पहुंच गए, और पहुंचकर महिलाओं हमारी बहु बेटियों का हमारी माता बहनों का बिल फाड़ा था। तक नीतीश कुमार न्याय नहीं दिलवा पाए, क्या वोट हमारे बरमरसियों को रोक लेंगे? है उनमें कुबात? वीर बरमरसी जिंदाबाद। 1 तारीख को वोट से नीतीश कुमार को जहानाबाद से उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे जहानाबाद के सभी साथियों ने ले रखा है, और आज 3 बजे आप आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आकर कवरेज लीजिए। लाखों की संख्या में पूरा जहानाबाद जन सैलाब से उमड़ा पाएंगे आप। क्या पूरा अरुणमय? हाजी पूरा से ओने घूमेगा पैसा वाला, इधर है गरीब। हाँ। ठीक ना, वो है करोड़पति, हमनी है रोडपति। हाँ। ठीक ना। हाँ। जान लीजिए एकदम लालटेन बूत गया, कहीं बूत गया। हाँ। बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अरुण कुमार जिंदाबाद। हाँ। तब आज ना 10 साल पहले ही गया बूत, मार दिए फूक। ठीक ना, तीर अब नहीं चलेगा। अरे तीर तो तोड़ दिए, तीर तो हाथ से तोड़ दिए जी। हाथी मजबूत है। अरे तेरा चढ़ जाएगा तो मर जाएगा, समझ रहे हैं? अरे बैठ वाला नहीं, हाथी के सामने कोई है बड़ा? हाथियों से बड़ा कोई है? है लाठी डंटा ये सब टूट जाएगा जैसे आएगा हाथी, तो देखिए ना आप, सब टूट जाएगा, सब टूटेगा, सबका भरम जो है ना उद्योगपति लोग का सब टूटेगा। ठीक ना। अच्छा, ये बैट भी एक चल रहा है। क्या एक बैट भी चल रहा है? आशुतोष कुमार भी है मैदान में। हम ना चिंते हैं, कोई पहचानता है क्या? नहीं, कोई नहीं। मुखिया के चुनाव जीत के आने, मुखिया के चुनाव जीत के आने। अरे महाराज, अभी चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष कुमार, पहले बाट के चुनाव लड़े, उनके बाद उस समाज के लड़के हैं, इस वजह से मैं उनको सांत्वना दे रहा हूँ। को लोकसभा में समर्थन दे डॉक्टर अरुण कुमार जी को, समाज उनको बैठ देगा, और नहीं तो विधानसभा में फिर आए तो हम लोग समर्थन उनको देंगे। समाज की आवाज पर नहीं हुए हैं। हम तो नहीं जानते हैं, निर्दलीय 23 प्रत्याशी हैं, उसमें से एक कोई होंगे आप ना? नहीं, हम नहीं जानते। आशुतोष कुमार को ही नहीं जानते, आप जानते हैं? नाम सुने हैं, नाम सुना हुआ लग रहा है, बाकी चेहरा एक आध दो दिन देखे हैं, आए थे। माहौल तो देखिए रहे, पूरा अरुण में आपको नजर सब पड़ रहा है। हाँ, पूरा अरुण में है। हाथी चलेगा? हाथी तो चलेगा, फूक देगा सूंड से तो लालटेन उड़ी आ जाएगा, तीर पर चढ़ जाएगा तो तीर टूट जाएगा। कहीं बगल से तीर निशाना लगा दिया तो निशाना ना लगेगा, बाभन पर तीर निशाना लगा लेगा। बाभन है, जिसको बाभन चाह जाएगा उसको गिरा देगा। हाथी पर बैठ लिए तो अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं? हाथी पर कौन बैठता है जी? कौन बैठता है? हाथी पर बाहुबली बैठ सकता है? आपको क्या औकात ना है? जी जिसको चाह जाएंगे छुप कर निशाना लगा दिए तो छुपे के काम कर सकते हैं ना, और पीछे से लगा देंगे तो उनसे लगे वाला नहीं है। जहानाबाद के बाभन है, जिसको चाह जाएगा। पिछला बार बाभन से ना वोट से जीता है, बाभन के वोट से जीता है, एक बार बाभन चाह गया है उभारेगा, हार जाएगा। बाभन चाहेगा तो हारेगा, जिसको चाहेगा उसे, अगर बाभन जिसको वोट देगा वह जीतेगा, ये बात तय है। बिना बाभन के यहाँ कुछ नहीं चलेगा, बस इतना पावर है बाभन। पावर है यहाँ के बाभन, बहुत पावर है, बहुत पावर। पावर 4 तारीख का नजर पड़ेगा अभी ना।
रिजल्ट हो जाता तो 4 तारीख के पावर पता चल जाता तो कि कर कितना पावर है ना है। झमकावला से होई, हां झमकावला से होई, बड़ बड़ नेता बुलावे से हो जाएगा जहानाबाद, जहानाबाद जहानाबाद है। उतरे दीजिए ना भाई, हम रोड पर पैदल चले वाला आदमी है, हेलीकॉप्टर के औकात हमनी के नहीं है, हमनी हाथिए पर खुश है। तो हेलीकॉप्टर करोड़ों क्या भाई, तो हाथियों का कम के थोड़े है। फेल हमारा मोछू रख ले कई साल से। अच्छा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होने वाला। कोई फायदा है भैया, पीओके पर अगर जीत चाहिए तरह फेल का ही जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, आपको देखना हो तो शाम को आइए, एक से एक राफेल दिखाएंगे आपको। राफेल दिखाइएगा। फूटा ललटेन टूटा तीर, दिल्ली चला अरुण सुरवीर। एक मिनट में तैयार कर रहे हैं ना, हत्ता अभी खाली नारे तैयार होगा शाम के। अभी आंख से देखिए ना कि क्या विकास हुआ है इस गली में, आप भी घूमते होंगे ना इस गली से, एक बार होके आप जाइए, इस सड़क ही है, इस सड़क। नीतीश कुमार के सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था जल जीवन हरियाली, जहानाबाद के पुल बन गए लो यही स्टेशन अरो मोड़ पर। नल जल तो हाली छोड़ा, नल जल के बातें छोड़ दो, बहुत पहुँचल कितना पहुँचल, टूट जाए था बनी था का, टूटी था बनी था कोई के पूछा तो कोई से, जब हमारे गांव में न बन लखे टूट गए पानी बही, तो 10 दिन बाद आके कहे कि बना दे वही हो, तो 10 दिन तक पानी गिर ले होता ना जी। हाँ, जहानाबाद के पुल बन गए कए बारिश हो ले ना जी, सामने ना हो सब दूर के ना हा, जल जीवन हरियाली हल कहाँ हवा को हरियाली कही लोकित सब उसे नली एने ओने जी। तो 5 साल में कादो घर में कभी भी अलथू है विधायक जी, ताके तक अलथू है, पूछे तक कि क्या हाल है सर। वोट देवी समय खाली नेता, वोट लेला के बाद फिर कौन है चिन्हबो नहीं करते हैं। अच्छा। ठीक ना, तो ही चलते इनका हम आपकी विरोध कर रहे हैं खुल के। अच्छा। पिछला बार भी जो है इनको भूमिहार के वोट से ही जीते थे। अरे भूमिहार जमींदार है सर, अब कहीं ना समझिएगा, है भूमिहारे जो है एक ही ना वोट दीजिएगा, हम आओ ना भूमिहार हम ही एगो है, आओ ना है एगो हम ही है खाली हम, और आपको ये चीज पता यादव एक तरफ है। हाँ, पूरा एकदम लगा हुआ है। कहाँ यादव एक है, कहाँ कहाँ सुरेंद्र आई मुन्नीलाल यादव, मुन्नीलाल यादव कहाँ टूटा है, सुरेंद्र यादव के तो जोड़ लिया, मुन्नीलाल यादव को औकात वाला नहीं जानते हैं आप, जमानत जब्त करवा देगा वो है मुन्नीलाल यादव। ठीक ना, न जी सुरेंद्र के ठीक है, ये जो बैट अब बल्ला के बात कर रहे हैं, ये भूमिहार के वोट काटे लागी बना है। ठीक ना, तो वही तो काटे लागी खड़ा किया है, 10% वोट कटे से वोट कटा है जी। डी है आशुतोष कुमार, वोट काटने के लिए आया है, सुरेंद्र कुमार का डी है वो, डुप्लीकेट है जो हमारे समाज को तोड़ने के लिए आया है, बिक रहा है तो नोट पर आया है ये लोग, खाली भूमिहार के वोट काटे। हाँ, सुरेंद्र यादव का पटक, बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए हमको करना आता है, हम लोग डीएनए भी करते हैं, सब सब चेक किए हैं उसका, एक एक ब्लड का कतरा कतरा चेक किए हैं। अगर वो भूमिहार होता तो भूमिहार के विरोध में इस जहानाबाद में नहीं घूमता, वो वहाँ भूमिहार के सपोर्ट में घूमता। वो सुरेंद्र यादव का डी है, ये हम लोग चेक कर लिए हैं, वो भूमिहार के अंगेंस्ट में, और लोग भी यहाँ हैं जो विकास विरोधी जितने भी नेता हैं हमारे, जान रहे हैं कि हमको कितना वोट मिलने वाला है, जीत रहे हैं हमारा, तो देख ले भाई कौन जीते वाला था जी। तो वो तो कही थी वोट काटे से खड़ी होगा भाई, 10,000-20,000 वोट काट लेंगे तो भाई बड़का बड़ा नेता बन गए हूँ। तोरी कैसे हो आप बताइए, किसको 500 वोट आना मुश्किल है, हमको पता है ना, 500 वोट नहीं आएगा आशुतोष कुमार को, 500 वोट नहीं आएगा। अच्छा, अरुण कुमार को, अरुण कुमार 2,00,000 वोट तो ऊपर से जीतेंगे, 2,00,000 वोट से। ये विद्वान आदमी है, जहानाबाद का नहीं बिहार का, शिक्षा माफिया है, और सबसे बड़ा दुनिया में शिक्षा ताकतवर होता है, उसके सामने सारा चीज फेल हो जाता है, राइफल तलवार सब चीज फेल हो जाता है, ये शिक्षा माफिया है। दिल्ली में अरुण कुमार थी, चंद्रवंशी जी कहाँ गेल थी, सुरेंद्र यादव कहाँ गेल थी, बूट ला दे है, जरूरत पड़े तो अरुण से आके फोन करा कि सर ऐसे ऐसे है, तो दिल्ली में नंबर लगावे के है, चाचा बोलेंगे नहीं, बाप दाखिल है तो चाचे ना बोलेंगे जी। छोड़ो दे महाराज, ओकर नामे लेना बेकार है, छोड़ दे उस सबके, वो मदराज हथ है, चोर के चोरी बोल, चोर के चचा बोल भाई, खून में नहीं ना है वो, खून से बेखून है, फिर चचा तो कहबे ना करेगा उनको, तो उधर आशुतोष भी है। हाँ, तो उनको भी सपोर्ट है हम लोग की तरफ से, ऐसा नहीं है,
उनको भी सपोर्ट है। जितना डी काम करना है वो अपना करते रहे, वोट देंगे। हाँ, वोट देवे करेंगे। हमारा उंगली जहाँ दबना होगा दब जाएगा भैया। हाँ, जहाँ जाना होगा हाथी छाप को दबेगा कि आशुतोष आशुतोष नहीं था। ना ना, उसका फालतू चीज नहीं। अच्छा आप बताइए, वोट तो अरुण जी को जाना वाला। हाँ चलिए, तो चर्चा बहुत हो गई, अरुण जी की चर्चा हो रही है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। कहा जा रहा है कि इस बार हाथी सब पर भारी पड़ेगा। ऐसे भी हाथी चलता है तो अच्छों अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, और पुराने ज़माने में अगर देखा जाता था तो राजा महाराजा अपने घर में हाथी रखते थे और हाथी से ही जहाँ तहाँ जाते थे। इस बार अरुण कुमार कह रहे हैं कि हाथी पर हम सवार हैं और हमारे समाज के लोग हाथी से ही आगे जाते थे और इस बार हाथी सब पर भारी पड़ेगा। बहरहाल, इस खबर में इतना है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया का।